अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यास, 7ish न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अहमदनगर डिवीजन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोविड 19 टेस्ट की बस लगाई गई थी और उस बस पर कांग्रेस लीडर फेरोज खान और दूसरे लीडर्स की फोटो लगाई गई थी। तभी अचानक कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर गड़बड़ करना शुरू कर दिया और गाली गलौज की। वहां की आवाम का कहना है कि गड़बड़ करने वाले लोग AIMM पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। टेस्टिंग करा रहे मुसलमान ने, लेडीज है, हिंदू है, पूरे उन लोग आके ऐसा कैसा गाली गलौज करते, ढकलम ढकली कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी हटाओ बोल रहे हैं, कर रहे हैं उन लोग, ऐसा कुछ कर रहे नहीं। जब ये लोग कर रहे हैं फालतू चीजें नहीं, ये फालतू चीजें कहीं को भाई, वहाँ मुसलमान के भी लेडीज है, तुम लोग भी क्या हटिए, मुसलमान की लेडीज करना इज्जत करना नहीं मालूम लोगों के चेन लगा। मसूद अहमद है, मैं कांग्रेस पार्टी से अहमदनगर डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई यहाँ पर कंप्लेन करे, हमारे बस्ती में कोई कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पर, बल्कि हम लोग कंप्लेन देके ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से लड़के 2 वीक से लड़के यहाँ पर गाड़ी लेके आए। यहाँ पे कॉर्पोरेटर आए, महमूद इंजीनियर कॉपरेशन मेंबर है, लंगे लंगे अम्मा को बहन को गालियाँ दे रहे। यहाँ के हिंदू भाई यहाँ बोल रहे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हिंदुओं के लिए नहीं है क्या, यहाँ का MLA यहाँ की कॉर्पोरेटर मुसलमानों के लिए नहीं है क्या, खाली मुसलमानों के एरिया में काम करते क्या बोल रहे। तो मैं जाके गाड़ी लेके आया तो बैनर फाड़ डाले, देखो ये बैनर फाड़ डाले यहाँ पे, ये मंदिर की गुंडा कर दिया, ये पुलिस को बुला के डरा रहे, उनके गुंडों को लेके आए, अभी किसी के बाप को नहीं हटते यहाँ से। हम यहाँ काम करके हटते, गरीब का काम करते, मुसलमान हिंदू नहीं है हमारे पास, हम सेकुलर पार्टी है। हम सिर्फ हमारे हिंदू भाई हमारे को कंप्लेन करे तो हम यहाँ पर आए काम करने के लिए, यहाँ पर काम नहीं करना बोल रहे। ये मैडम आए थे, ये कौन है? बोर्ड एम यहाँ के कॉर्पोरेटर है भाई, उन्होंने ये बात बोले मेरे को, ये बैनर हटाओ। वो तो हम लोग, मैडम का नाम क्या है सर? मैडम कॉर्पोरेटर है, हम जो काम कर रहे हैं उन्होंने करना चाहिए। जी हाँ, दो महीने में एक बार दिखते हैं। अच्छा, जो हुंडा साथ में लेके आया, हुंडा कौन है वो? अच्छा, हुंडा साथ में आया, हुंडा है नहीं मालूम है, उनका नाम महमूद अली नाम है, वो अम्मा बहन के गालियां दे रहे हैं, पार्टी के काउंसिल मेंबर है। अरे लंगी लंगी गालियां दे रहा है, एक औरत है भाई, अपनी माँ की ऐसी औरत है, उनके बाजू खड़ के लंगे लंगे अम्मा को तेरी फलाना, लंगे लंगे गालियां दे रहे। MIM पार्टी वाले ये गुंडागर्दी, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, इसमें मशहूर है लोग। बात करो చెప్పమ్మా నేను నగర్ కోచంబర్ సిటీలో మాట్లాడుతున్నాము, ఇక్కడ పెరస్కాన్ అన్న కోవిడ్ టెస్ట్ వచ్చి పర్మిషన్ తీసుకుని టెస్ట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి పట్టేసుకున్నాడు, ఎట్రా చేసేస్తున్నారు, ఇక్కడ చేయొద్దు, మీరు ఎందుకు వచ్చారు మా ఇలాగా అనేది మాతో గుండాగర్ది చేస్తున్నారు అండి, థ్యాంక్ యూ। मैं आपको जो वादा करा मैं वही पूरा फुलफिल, आप 2 मिनट रखिए, आप नहीं, मैं मीडिया वालों को बुलाया, मीडिया वालों के सामने मैं बाइट दूंगा। क्यों? यहाँ गरीबों का काम कर रहा है, हिंदू एरिया में हिंदू ये बोल रहे हैं, यहाँ पर चुनाव हारे नहीं, मैं कंप्लेन कर MIM का कोई कैंडिडेट मुस्लिम एरिया में काम नहीं कर रहा, मुसलमानों का कोविड टेस्ट नहीं कराए, तो उनकी कंप्लेन पे मैं लाके कराया हूँ। मैं झगड़ा बोले तो तुम भी करो झगड़ा, हम भी करते झगड़ा, लोगों को राइट है, बोले तो समझो ना आप लोग, कम से कम 5 मिनट में करते हो रहे, आधा घंटा बोलो बोलो टाइम पर बोलो, अम्मा की फलाना बोल के आपके सामने एक औरत के सामने औरत को लंगी गाली दे रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई, आप परमिशन नहीं देना, मैं परमिशन नहीं देना, परमिशन नहीं देना, कोई पोस्टर नहीं लगाना, कोई पोस्टर लगा रहा है, लंगी गाली दे रहा है, बताइए ऐसे गंदा गंदा गाली, गंदा गाली किस वजह से दे रहा मैडम, बताइए मीडिया वालों, आपसे क्वेश्चन है मैडम, ये बोलिए ऐसा बोलिए मैडम, ये रोड पे गंदे गंदे गालियां होते क्या बोलिए, कौन है गुंडा है, लीडर है, कौन है बताइए, कितने बती कौन है वो बताइए, आप बोलिए मैडम, आपके सामने ना मैडम, आप बोलिए बताइए, किस वजह से गाली दिए, यहाँ के पब्लिक का बोलना है कि अम्मा को छोड़ो, बारा तो गलत सुनते हैं आप, यहाँ के पब्लिक का कहना है कि एक गाड़ी नहीं है यहाँ पर,
आप बोलिए ऐसा कर रहे हो साथ में भाई के गालियां देने वाले पब्लिक का कहना है मैडम कि कभी गाली लिया यहां पर अभी एक गाड़ी आई तो अम्मा बहन की गाली दे रहे कौन है आपका साथ में आगे क्या है ये गुंडागर्दी कब तक चलेंगे मैडम बोलिए जूम करते रहेंगे बोलिए आप बिना जवाब दिए ऐसा नहीं जा सकते मैडम आप ये है नकीबे मिल्लत की बोल बोलिए बताइए गुंडागर्दी क्या है मैडम बोलिए मैडम आप क्या समझ के आए हैं आप चोर व्यवस्था कहीं को भाग रहे मैडम आप चोर है क्या बताइए आप बताइए मैडम आप चोर है या गुंडे क्या है बोलिए ऐसा भाग रहे क्या है बताइए मीडिया का आप चोर है या गुंडे है क्या है ऐसा भाग रहे बोलिए क्यों भाग रहे आप किस वजह से भाग रहे बताइए बताइए आप गाली देने के लिए आए थे यहाँ पर गाली देने चोर है गुंडे है क्या ये बताइए आप लोग लाइफ के विकास में आपके मीडिया वाले आए मेरे को बाइक देना है बस निकालो बाइक देना है हाथ 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 ले लेके जाओ भाई लड़ेगी टेस्टिंग यहाँ से ले मैडम निकालो बोले मैं निकाल दो टेंशन सभी बोलो मैं भी कर दो अरे बात में निकाल दे ये वैन के पास है सब्जेक्ट में बता नहीं कोविड-19 की वैन आई आजादी पूरा वेट वेट को बता लो हरी बोलो रोबर्ट स्टार्ट भाई सामने ये लगा रोक कर रहा आप सब जानते हैं कोविड-19 पैनडेमिक और इंसानियत की एक जंग चल रही सारी दुनिया इससे परेशान है खुसूसी हमारी रियासत तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद में आजाद आ गया था आज की 160 दिन हो गए तकलीफ इस बात की है अफसोस इस बात का है कि वैक्सीनेशन नहीं आया अभी और 4 महीने से फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज ऊंची करते हुए ये हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग टेस्टिंग बढ़ाइए आप लोग जिसको भी कोविड पॉजिटिव आ रहा आप प्राइमरी और सेकेंडरी को आप टेस्ट नहीं कर रहे मोबाइल एम्बुलेंस डालिए ये टेस्टिंग वैन्स डालिए डॉक्टर्स को घर पे भिजाइए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप क्रिएट करिए कि हर कोई सामने आए देखिए कोविड-19 अगर से आप शुरुआत में टेस्ट करवा लिए तो आप होम क्वारंटाइन कर ले सकते आप
कोविड 19 को बढ़ा लेके आखिरी वक्त में जब आप हॉस्पिटल जा रहे उससे आपका जान का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट आज से 20 दिन पहले ये इवेंट लॉन्च करी और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जब एक एप्लीकेशन डाला कि मेरे नामपल्ली में ये कोविड टेस्टिंग बैन होना, तो वो टीआरएस की हुकूमत में कांग्रेस होकर नहीं देखा, टीआरएस हुकूमत इंसानियत के लिए भेजा है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट का और जो डायरेक्टर श्रीनिवास साहब है उनके ये गेस्चर का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मैं पूरी आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे यंगस्टरों को, भाई आप लोग निकल के आइए, आप टेस्टिंग कराइए, 80% कोविड 19 सिम्टम्स नज़र नहीं आते और आप कैरियर रहते, जब एक यंगस्टर रहते आप कैरियर रहते और आपके घर में सीनियर सिटीजन रहते, आपके वालिद वालदा आपकी बीवी आपके बच्चे ये लोग प्रॉब्लम में चल जाते। तो जब हमारे पास टेस्टिंग वैन आ चुकी है और पहला जब शुरू हुआ था तो सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000 टेस्ट कर रहे थे, अब टेस्ट बढ़ गए 40,000 टेस्ट कर रहे लोग। तो मैं पूरे यंगस्टर्स को और पूरे हैदराबाद और तेलंगाना सबसे गुजारिश करता हूँ कि कोविड 19 को हराना है तो मेहरबानी करके आप टेस्टिंग कराइए, टेस्टिंग करेंगे तो ट्रेसिंग होगा, ट्रेसिंग होगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा और ये जड़ से चले जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज़।